नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ महागामा में, जहाँ पर कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आज महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह जो है अपना नामांकन अपने जो है समर्थकों के साथ आई हुई है और नामांकन करीब 11 बजे की है। और देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो उत्साह, वो जो कार्यकर्ताओं में जो चेहरे पर चमक है वो देखने को आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो है महिलाएँ हो चाहे कोई हो, देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर जो है नामांकन की है, महिलाएं भी काफी उत्साह से भरे हुए हैं। मैं यहां जानना चाह रहा हूं कि जो है महिलाएं क्या चाह रही हैं इस बार जो विधानसभा चुनाव में, इस बार किसकी जीत होगी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि कहां से आई हूं आप? मैं बोरियो विधानसभा से आई हूं और मेरा प्रखंड बुआड़ी जो पड़ता है। अच्छा, आप आज कांग्रेस की विधायक जो है पहले रह चुकी है दिव्या पांडे सिंह, वो आज आमंत्रित की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार जो है ये जो सीट है महागामा सीट, वो कांग्रेस की झोली में जाएगी? जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कि बहुत आदमी का कहना है कि ये न कि किसी को मौका दीजिएगा तब ना, 5 साल के बाद इतना की दीदी, और 5 साल मौका दीजिए दीदी, सब काम करके दिखाएगी। तो देख सकते कि यहाँ की जो समस्याएं थी, यहाँ की जो मुद्दा थे उसको उठाया इन्होंने और यहाँ पर अच्छे काम किए हैं, समर्थकों में अच्छा अनुभव है, इसी को लेकर जो है यहाँ पर काफी भीड़ और अपने समर्थकों के साथ आज यहाँ की जो विधायक है दीपिका पांडे सिंह वो यहाँ पर नामांकन की है। क्या कहना चाहेंगे आज महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडे नॉमिनेशन फाइल की है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? आज नॉमिनेशन फाइल किए दीपिका पांडे 110% यहाँ से जीत रही है। लोगों का हुजूम को देख लीजिए और यहाँ के लोगों का जितना ये काम की हैं हर चीज़ में, महागामा वासियों के लिए उन्होंने जो 5 साल के दरमियान जो काम किया उससे यहाँ की जनता खुश है, बहुत खुश है। यहाँ हॉस्पिटल बनाई, रोड बनाए और भी बहुत सारे काम यहाँ किए हैं मैडम। यहाँ 300 बेड का हॉस्पिटल बनवाई है लोगों के लिए बहुत। 2024 चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस का कहाँ तक का क्या लग रहा है इस सीट को लेकर? यहाँ के सीट में कांग्रेस जीत रही है, एकदम 100% जीत रही है, कोई रोक नहीं सकता। क्या नाम हुआ आपका? बॉबी खान। देख सकते हैं कि शायद अब दूसरे से मैं बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में, ये हुजूम है, यहाँ की जो जनता है काफी उत्साह भरे दिख रहे हैं इस जो चुनाव जो नॉमिनेशन फाइल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हुजूम है ये दीदी का किया हुआ कार्य है जो आज यहाँ धरातल पर दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनका जो कार्य है वो ऐसा है कि झारखंड के जितने भी जिले हैं, हर जनता की चाहत होती है कि हमारा अगर कोई विधायक हो तो ऐसा हो, क्योंकि ये संघर्षशील लेडी रही हुई है, आयरन लेडी के रूप में इन्हें जाना जाता है, और किसी के भी काम के लिए तत्पर रहती हैं, निस्वार्थ भाव से रहती हैं और समर्पण रहती हैं। तो ऐसे विधायक का मिलना यहाँ के लिए, झारखंड के लिए बहुत गौरव की बात है और हम लोग बहुत फख्र करते हैं कि ये सिर्फ विधायक ही नहीं है, जनता ये यहाँ विधायक चुनेगी, साथ ही साथ यहाँ का मंत्री चुनेंगी, क्योंकि आने वाली सरकार जो है वो बिल्कुल यूपी गवर्नमेंट की होगी, हेमंत सरकार की होगी। क्या नाम है आपका? बिल्कुल नवनीत ओझा हुआ। देख सकते हैं चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो, चाहे किसी का भी मूड, देख सकते हैं ये हुजूम बता रहा है कि इनका जो कार्य से काल रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, जिसके कारण आज पूरी जनता इनके पक्ष में है। देखिए, माननीय विधायक महोदय का जो इस बार का 24 का जो चुनाव है, पिछले चुनाव से ये 2 गुना मत से ज़्यादा वोट से ये जीतेगी। जो महागामा की जो समस्या जनमूल समस्या होती है वो क्या उन्होंने 5 साल में पूरा कंप्लीट की? 5 साल क्या कहा जाए, 2 साल तो कोरोना में बीत गया, कोरोना में व्यस्त रही, बहुत सारे जो बाहर में पड़े हुए थे उनको लाने का काम किया, साथ ही साथ 3 साल के दरमियान में इन्होंने जो काम करके दिखा है, विगत 15 साल में उतना काम नहीं हुआ है जो 3 साल में ये विकास की गंगा बहा दी है। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो 3 साल में विकास की गंगा बहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मलय कांति दास, मेरा घर लहटी हुआ।
देखिए यहाँ समर्थकों में जो है महिलाएं हैं, पुरुष है, नौजवान है, सभी हैं। मैं आज महिलाओं से पूछना चाहता हूँ कि इस बार जो है वो दीपिका पांडे सिंह जो है अपने आज नॉमिनेशन फाइल की, वो जो है 5 साल के दरमियान उन्होंने जो किया उसके साथ ही इस बार वो क्या करेगी, इस सबको लेके महिलाओं में क्या विचार है ये जानना चाहते हैं। तो बताया जाए कि आपको क्या लग रहा है इस बार जो नामांकन की है तो कैसा लग रहा है आपको? उनकी जीत निश्चित है, वो 5 साल में जो भी काम किए बहुत अच्छा काम की है, उनकी जीत निश्चित है। वो आवास हुआ या मैया सम्मान योजना हुआ या बिजली माफ हुआ या किसान के लिए जो भी किया हम लोग उस चीज़ से बहुत खुश हैं। दीपिका पांडे की जीत निश्चित है। क्या लग रहा है जितने भी जो भूत मूल समस्याएं थी वो महागामा में वो सब खत्म हो गया? अगर नहीं है तो कुछ बचा है सर, तो जरूर खत्म हो जाएगा ये। अगर इस साल 5 साल में वो खत्म कर जरूर खत्म करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका देवी, हम अमजोरा पंचायत से उप मुखिया हैं। देख सकते मुखिया हो चाहे आम जनता हो चाहे किसी भी समस्याओं को लेकर अगर वो इस पर लगती है तो उसे पूरा करके छोड़ती है। तो देख रहे हैं आप 22 को न्यूज।